हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरी चैनल में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ उड़द दाल और बाजरे के रोटले की रेसिपी। मेरे घर में ये हमेशा उड़द दाल और बाजरे के रोटले को मिक्स करके ही खाया जाता है। तो वो कैसे बनाया जाता है और उसे किस तरह से सर्व किया जाता है वो आज आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगी। इस तरह से अगर आप खाएंगे तो वो बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो मेरे इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरी चैनल पर नए हैं तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मेरे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलते रहे। अब यहाँ पर हम सबसे पहले उड़द दाल बनाएंगे। उसके लिए यहाँ पर मैंने एक बाउल लिया है, उसमें हम हाफ कप के करीब उड़द दाल लेंगे। अब हम इसे अच्छी तरह से 2 से 3 बार पानी से वॉश कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने दाल को अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। अब हम प्रेशर कुकर लेंगे, इसमें दाल को ऐड कर देते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे प्याज, जिसे मैंने बड़े बड़े टुकड़ों में कट कर लिया है। यहाँ पर मैंने टमाटो लिया है, जिसे भी मैंने बड़े बड़े टुकड़ों में कट कर लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक स्वाद अनुसार और हल्दी पाउडर। अब हम इसमें 2 कप के करीब पानी ऐड करेंगे और इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब यहाँ पर देसी घी ले रही हूँ मैं, इसे भी हम इसमें ऐड कर देते हैं। अब हम प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद कर देते हैं और इसे 3 से 4 विसल तक कुक कर लेते हैं मीडियम फ्लेम पर। कि अब यहाँ पर प्रेशर कुकर का जो प्रेशर है वो रिलीज हो चुका है और हम देख सकते हैं कि हमारी जो दाल है वो अच्छी तरह से कुक हो चुकी है। अब हम ब्लेंडर की हेल्प से इसे ब्लेंड कर लेते हैं। यहाँ पर हमें इसे पूरा ब्लेंड नहीं करना है, इसे 80% तक ही ब्लेंड करना है। अब देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो दाल को मैंने पूरा ब्लेंड नहीं किया है। अब यहाँ पर हम दाल को एक बाउल में निकाल लेते हैं। यहाँ पर ध्यान रहे फ्रेंड्स कि हम जिस बर्तन में दाल को निकाले वो थोड़ा बड़ा होना चाहिए, क्योंकि हम इसमें पानी ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने 1 कप के करीब पानी लिया है, जिसे मैंने कुकर में ऐड करके इसमें फिर ऐड कर दिया है। अब हम इसमें 3 कप पानी और ऐड करेंगे। यहाँ पर हम दाल की कंसिस्टेंसी जो है वो थोड़ी मीडियम रखेंगे, ना ही ज्यादा गाढ़ी और ना ही ज्यादा पतली, क्योंकि हम बाद में इसमें रोटला ऐड करके इसे खाने वाले हैं। इसलिए देख सकते हैं कि दाल की जो कंसिस्टेंसी है वो कुछ इस तरह की होनी चाहिए। चलिए अब हम दाल को बॉईल कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने दाल को गैस पर चढ़ा दिया है बॉईल होने के लिए और यहाँ पर हम गैस की फ्लेम जो है वो मीडियम ही रखेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे फाइनली चॉप किया हुआ लहसुन। यहाँ पर हम लहसुन की जो क्वांटिटी है वो थोड़ी ज्यादा रखेंगे, क्योंकि उड़द की दाल में लहसुन ज्यादा अच्छा लगता है इसलिए। अब हम इसमें ऐड करेंगे फाइनली चॉप की हुई हरी मिर्च। अब हम इसमें ऐड करेंगे हरा प्याज। यहाँ पर मैंने हरे प्याज में व्हाइट और हरा पार्ट दोनों लिया है, इसे भी हम इसमें ऐड कर देते हैं। अब हम इन सारी चीजों को एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और इसे गैस की मीडियम फ्लेम पर बॉईल होने देते हैं। और ध्यान रहे फ्रेंड्स कि हमें इसे बीच बीच में चलाते रहना है, वरना जो दाल है वो तले में चिपक जाएगी। देखिए यहाँ पर दाल में एक बॉईल आ चुका है, तो अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देते हैं। ध्यान रहे फ्रेंड्स कि हमने दाल को बॉईल करते वक्त भी इसमें नमक ऐड किया था, इसलिए आप नमक अपने हिसाब से ही ऐड कीजिएगा। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और फिर इसे 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पर बॉईल होने देते हैं। जब तक हमारी दाल बॉईल हो रही है तब तक हम लहसुन को कुक कर लेते हैं। इसके लिए यहाँ पर मैंने एक फ्राई पैन लिया है, उसमें हम 1/2 टीस्पून के करीब देसी घी ऐड करेंगे। जैसे ही हमारा घी गर्म होता है हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 कप के करीब फाइनली चॉप किया हुआ हरा लहसुन। पर हरा लहसुन जो है वो उड़द की दाल और बाजरे के रोटले के साथ बहुत ही अच्छा लगता है। हम इसमें ऐड करेंगे हल्का सा नमक और हल्की सी हल्दी पाउडर।
अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और इसे एक मिनट के लिए हाई फ्लेम पर कुक कर लेते हैं। यहाँ पर हमें लहसुन को ज्यादा कुक करने की जरूरत नहीं है, बस इसे हल्का सा सोते करेंगे। देखिए यहाँ पर जो हरा लहसुन है वो अच्छी तरह से कुक हो चुका है, तो अब हम गैस की फ्लेम बंद कर देते हैं और इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर दाल को बॉईल होते हुए 10 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि हमारी जो दाल है वो गाढ़ी भी हो चुकी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे फाइनली चॉप की हुई हरी धनिया और इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारी उड़द की दाल बनकर रेडी हो चुकी है। तब हम गैस की फ्लेम बंद कर देते हैं और इसके साथ सर्व होने वाले रोटला बना लेते हैं। रोटला बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक बर्तन में 1/2 कप बाजरी का आटा लिया है। अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करते जाएंगे और इसका एक सॉफ्ट आटा बना लेते हैं। ध्यान रहे फ्रेंड्स कि हमें इसमें एक साथ सारा पानी ऐड नहीं करना है, इसका हमें पहले एक सख्त डो प्रिपेयर करना है और फिर थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और डो को सॉफ्ट करते जाएंगे। देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने कुछ इस तरह से थोड़ा सा हार्ड डो प्रिपेयर किया है। अब हम इसे इस तरह से मसलते जाएंगे और इसमें हल्का हल्का सा पानी ऐड करते जाएंगे और इसे एक अच्छा सॉफ्ट डो प्रिपेयर कर लेते हैं। पर जो है वो बाजरी के आटे में ज़्यादा ग्लूटन नहीं होता है, इसलिए हमें इसमें ग्लूटन क्रिएट करने के लिए इसे ज़्यादा मसलना पड़ता है। इसलिए यहाँ पर आप बाजरी के आटे को आप जितना ज़्यादा मसलेंगे वो उतना ही अच्छा बनेगा। देखिए यहाँ पर बाजरे का जो आटे का सॉफ्ट डो बनकर रेडी हो चुका है। अब हम इसका एक गोल बॉल बनाएंगे। सबसे पहले अब हम आटे को दोनों हथेलियों के बीच इस तरह से हल्के हाथों से प्रेस करते जाएंगे और इसे गोल गोल घुमाते जाएंगे। अब हम इसे उंगलियों की मदद से इस तरह से प्रेस करते जाएंगे और इसे किनारी से हल्का सा पतला करते जाएंगे। अब हम हथेली के बीच वाले हिस्से से रोटले का जो बीच वाला हिस्सा है उसे पतला करेंगे और इसे गोल गोल घुमाते जाएंगे। आपको कहीं पर लगे कि थोड़ा सा मोटा है तो आप वहाँ उंगली की हेल्प से उसे पतला कर सकते हैं। ये यहाँ पर हमारा रोटला अच्छी तरह से गोल हो चुका है, तो अब हम इसे कुक कर लेते हैं। क्योंकि तभी जो है वो गर्म हो चुकी है अच्छी तरह से। अब हम उसके ऊपर इस तरह से रोटले को रख देते है। अब हम इसे एक साइड पर हल्का सा कुक होने देते हैं। जैसे ही हमारा रोटला हल्का सा कुक हो जाए हम एक फ्लैट स्पैचुला लेंगे, उसकी हेल्प से रोटले को तवे से अलग करेंगे और फिर उसे पलट देंगे। इसे दूसरी साइड भी एक मिनट के लिए अच्छी तरह से कुक होने देते हैं। ध्यान रहे फ्रेंड्स कि यहाँ पर गैस की जो फ्लेम है वो हाई ही होनी चाहिए। अब हम इसे किनारे पर इस तरह से रखेंगे और इसे हल्के हाथों से प्रेस करेंगे और इसे अच्छी तरह से चारों तरफ से कुक कर लेते हैं। देखिए दूसरी साइड भी अच्छी तरह से कुक हो चुका है, तो अब हम इसे एक बार पलट देते हैं और इसे हल्के हाथों से प्रेस करेंगे कि हमारा जो रोटला है वो अच्छी तरह से फूल सके। आप देख सकते हैं कि ये कितनी अच्छी तरह से फूल कर रेडी हो चुका है और ये दोनों साइड से अच्छे से कुक भी हो चुका है। तो अब हम गैस की फ्लेम बंद कर देते हैं और इसे सर्व कर लेते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारी गर्मा गर्म उड़द की दाल और बाजरे का रोटला बनकर रेडी है। यहाँ पर इसे मैं हरा प्याज और मूली के साथ और लहसुन की चटनी के साथ सर्व कर रही हूँ। हमारे घर में उड़द की दाल और बाजरे का रोटला मिक्स करके खाया जाता है। उसके लिए यहाँ पर मैंने रोटले को 2 घंटे पहले ही बनाकर रख दिया था ताकि अच्छी तरह से ठंडे हो सके। अब हम इसे हाई फ्लेम पर हल्का सा 1 मिनट के लिए दोनों साइड से गर्म कर लेते हैं ताकि इसका जो चूरा है वो अच्छी तरह से हो सके। अगर गर्म रोटले को चूरा बनाएंगे तो वो अच्छी तरह से नहीं होगा, क्योंकि गर्म रोटला जो है वो चिकना होता है, उसकी वजह से उसका चूरा अच्छी तरह से नहीं बन पाता। यहाँ पर हम रोटले को
खाने से 2 या 3 घंटे पहले ही बना लेते हैं ताकि वो अच्छी तरह से ठंडा हो सके, और फिर उसका चूरा बनाने से तुरंत पहले इसे हल्का सा गर्म कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये कितनी अच्छी तरह से टूट रहा है और इसका जो चूरा है वो भी कितनी अच्छी तरह से बनकर रेडी हो जाता है। हम रोटले के बड़े बड़े टुकड़ों को हम दोनों हथेलियों के बीच में इस तरह से रख के घिसेंगे तो उसका जो चूरा है वो आसानी से बनकर रेडी हो जाएगा। हमें यहाँ पर इसका फाइन पाउडर नहीं बनाना है, इसमें बड़े बड़े टुकड़े रहे तो वो भी चल जाएंगे। देख सकते हैं कि हमारा जो रोटले का चूरा है वो इस तरह का होना चाहिए। इसी तरह से हम सारे रोटले के चूरे बना लेते हैं। ये यहाँ पर रोटले का चूरा रेडी है, उड़द की दाल रेडी है, तो चलिए अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। उसके लिए यहाँ पर मैंने एक सर्विंग बाउल लिया है, उसमें हम पहले 3 बड़े चम्मच के करीब बाजरे के रोटले का चूरा ऐड करेंगे। अब हम इसमें 1.5 कप के करीब उड़द की दाल ऐड करेंगे। यहाँ पर हम दाल को बाजरे के रोटले के साथ मिक्स कर रहे हैं, इसलिए दाल की कंसिस्टेंसी हमने मीडियम ही रखी थी। अब हम इसे एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे हरा लहसुन जिसे हमने हल्का सा भून लिया था। हरे लहसुन का टेस्ट इसमें बहुत ही अच्छा लगता है। अब हम इसमें ऐड करेंगे मक्खन, ये घर पे बना हुआ मक्खन है। मक्खन जो है वो बाजरे के रोटले के साथ बहुत ही टेस्टी लगता है। अब हम इसे हल्का सा मिक्स कर लेते हैं। लीजिए फ्रेंड्स, हमारी उड़द की दाल और बाजरे के रोटला बनकर रेडी है। अब हम इसके ऊपर फाइनली चॉप किए हुए मूली को स्प्रिंकल करेंगे और फिर हम इसे मूली के साथ ही खाएंगे। ये जो मिक्सचर है वो मूली के साथ और हरे प्याज के साथ बहुत ही टेस्टी लगता है। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारे सर्दियों की सीजन का स्पेशल खाना उड़द की दाल और बाजरे का रोटला बनकर रेडी है। तो इस सर्दियों की सीजन में उड़द की दाल और बाजरे के रोटले को इस तरह से जरूर खाइएगा। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।